अब इलेक्ट्रिकल बसें करे रोहतांग दर्रे की सैर, HRTC ने चलाई 3 बसें, ये होगा किराया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रे के लिए ऑनलाइन परमिट न मिले तो परेशान न हो, प्रदेश सरकार ने रोहतांग जाने वाले पर्यटकों के लिए इलेक्ट्रिकल बस सेवा शुरू कर दी है। पर्यटक HRTC में अपनी एडवांस बुकिंग करवाकर 600 रुपए प्रति सीट रोहतांग घूम सकते हैं। सुबह 8 से 8:30 व 9 बजे HRTC का मनाली बस स्टैंड से बसें रवाना होंगी। हालांकि शुरुआती दिनों में HRTC ने रोहतांग के लिए 3 बसें ही शुरू की है, लेकिन डिमांड आने पर संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार के इस निर्णय से मई जून में बर्फ की दीदार करने वाले मनाली आ रहे पर्यटकों को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। सीएम ने की घोषणा, अटेंडेंट के पद पर कार्यरत नॉन ITI कर्मचारियों का पदोन्नति, सेवा काल 3 वर्ष घटाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को बद्दी में विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के 9वें त्रैवार्षिक साधारण अधिवेशन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 2 लाख से अधिक कर्मचारी तथा इतनी ही संख्या में पेंशन भोगी है। 40,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी भी सेवाएं दे रहे हैं। ये सभी पूर्व एवं वर्तमान कर्मचारी प्रदेश को विकास पथ पर अग्रसर करने में सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा कर रही है। सरकार सदैव कर्मचारियों की समस्या को सुलझाने के लिए प्रयत्नशील रहेगी। विद्युत बोर्ड से संबंधित कर्मचारी विषम परिस्थितियों में भी अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी एवं दक्षता के साथ करते हैं। सरकार ये सुनिश्चित बना रही है कि कार्य के दौरान दुर्घटनाओं इत्यादि में कमी लाई है। विद्युत बोर्ड द्वारा सभी कर्मियों को सुरक्षा किट प्रदान की जा रही है। चंबा जोत मार्ग पर कोर्ट के पास अनियंत्रित होकर पलटी कार, मंडी जिले के 3 लोग घायल। चंबा जोत मार्ग पर रविवार दोपहर बाद एक कार अनियंत्रित होकर सड़क में पलट गई, जिससे कार में सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज चंबा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। घायलों की पहचान चंदन सिंह पुत्र मनोहर लाल गांव लाका डाकघर सरका घाट जिला मंडी, मनोहर लाल पुत्र सोहन सिंह गांव लाका डाकघर सरका घाट जिला मंडी तथा दिवेद सिंह पुत्र सीताराम निवासी गांव तथा हर तहसील सरका घाट के तौर पर की गई है।